कोरोना से बीते 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने, 550 लोगों ने गवाई जान। अलीगढ़ में विक्रमशिला एक्सप्रेस की चपेट में आकर महिला समेत 3 की मौत। वाराणसी तथा पास के क्षेत्रों में 161 गांव बाढ़ से हुए प्रभावित, जलस्तर घटने के बाद भी खतरे के निशान से ऊपर गंगा नदी। किन्नौर में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 15 हुई, राज्य सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए सहायता राशि की घोषणा की। राघोपुर दियारा इलाके में बाढ़ जैसे हालात, जुड़ावनगर थाना परिसर में चल रही नाव, प्रशासन अलर्ट। इटावा में अखिलेश यादव के चचेरे भाई ने बाढ़ पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री, सरकार पर लगाए मदद न करने के आरोप। ट्विटर अकाउंट बंद होने पर राहुल गांधी नाराज, बोले कंपनी हमारी राजनीति तय नहीं कर सकती। जयवीर की नहीं हुई वापसी, बहनोई डीपी यादव बनाए गए मुरादाबाद के सपा जिलाध्यक्ष। समाजवादी पार्टी के 2 जिला अध्यक्ष बहाल, 2 जिलों में नए जिला अध्यक्ष नियुक्त। केंद्रीय मंत्री ने कहा, सड़क से संसद तक अराजकता फैलाने वाले विपक्ष के सांसद, मांगे देश से माफी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।